नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि जो ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का टेक्नीशियन का ALP का ग्रुप डी का जो पोस्ट का निकला हुआ था वैकेंसी, उसका जो एग्ज़ाम्स होने वाला था आप लोग का मार्च अप्रैल मई के आसपास होने वाला था, फिर जून जुलाई हुआ, फिर अगस्त सितंबर, अब फाइनली जो है अगस्त सितंबर के बीच में होने का है, सितंबर अक्टूबर। तो अब जो इसका रेलवे का एक नया वाला उसका जो फंडा हुआ है कि एप्लीकेशन स्टेटस है उसको रिलीज़ किया है, कि मतलब आप अपना एप्लीकेशन देख लीजिए कि आप लोग एप्लीकेशन सेलेक्ट हुआ कि नहीं, आप लोग एप्लीकेशन सबमिट हुआ कि नहीं, एक्सेप्ट हुआ कि नहीं। तो ये चीज़ आप लोग को देखना है। और इसको कैसे देखना है, आप लोग को लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नीचे है आप लोग को लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा मैं एक लिंक, और इसके वीडियो के जस्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक देख सकते हैं। तो उस लिंक में जाना है और आप लोग को ये जो आप लोग देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन आईडी, उसमें आप लोग को रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, जो आप लोग एप्लीकेशन फिल किए थे तो आप लोग का एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ आप लोग डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर सिक्योरिटी कोड जो लिखा हुआ है उसको डालना है। उसके बाद आप लोग को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोग को दिखाएगा एक मैसेज कि आप लोग को प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग को इसके लिए आप लोग को मेल करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा, RTI फाइल करना पड़ेगा, बहुत कुछ सर है। मैक्सिमम आप लोग का स्टूडेंट्स का जो है प्रोविजनली एक्सेप्टेड दिखाएगा ग्रीन कलर में, तो आप लोग को प्रोविजनली एक्सेप्ट दिखा दिया मतलब आप लोग का एप्लीकेशन सेलेक्ट हो चुका है, एप्लीकेशन सेलेक्ट हो चुका है और आप लोग का एडमिट कार्ड आने को तैयार है। आप लोग का अगले महीने तक एडमिट कार्ड आ जाएगा, अगले महीने में इसी महीने में आप लोग को जब भी एडमिट कार्ड होना होगा वो आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि आप लोग का एप्लीकेशन जो है सबमिट हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को सबसे पहले इस लिंक पर जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी कोड को डालना है, और सबसे जल्दी आप लोग को सबसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग को अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लेना है, और अपना जो प्रिपरेशन है उसको अब पीक में रख लीजिए, क्योंकि अब RRB जो है अब आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को रेडी हो गया है। जो 2.5 करोड़ एप्लीकेशन आए थे सारे के सारे स्टूडेंट्स का तो नहीं हो पाएगा, कुछ लोग का रिजेक्ट होने वाला है, किसका रिजेक्ट होने वाला है किसका नहीं होने वाला है ये तो आपको टाइम बताएगा, और उसका लिए आप जब स्टेटस में डालेंगे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी ये सब डालेंगे उसके बाद आप लोग को पता चलेगा। जिसका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहे हैं आप लोग को एग्ज़ाम्स के रिलेटेड कोई भी आप लोग को डाउट हो रहा है, कोई मतलब मान के चलिए आप लोग कोई ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं या आप लोग कोई कोचिंग कर रहे हो, आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, तो उस टॉपिक को आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उस टॉपिक के लिए आप लोग के लिए अलग से मैं आप लोग को ट्रिक्स बता दूंगा कि आप लोग को कैसे याद रख सकते हैं। अगर आप लोग को GK में कोई सेक्शन में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, GK में वो एक 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 आध सेक्शन बताना, आप बोलते हैं कि पूरा पूरा GK पढ़ाइए तो ये तो बहुत मुश्किल है। एक आध सेक्शन आप लोग बताना है कि आप लोग को कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा सेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस टॉपिक में हम लोग बात कर सकते हैं। सो आप लोग को सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग स्टेटस चेक कर लीजिएगा और जितना हो सके जल्दी अपना एप्लीकेशन प्रोविजनली सेलेक्टेड है या नहीं इसको देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना इम्पोर्टेंट है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो आप लोग के होम पेज में आ जाए, आप लोग को दिख जाए। जैसे ही आप लोग यूट्यूब खोलते हैं ना तो आप लोग को जो भी वीडियोज़ दिखे वो आप लोग का पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, वही कोई इधर उधर का वीडियोस देखेंगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब बटन नीचे दबाइए दबाइए और जितना हो सके उतना शेयर मारिए, इसको जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए, ताकि स्टूडेंट्स अवेयर हों कि जो है RRB का लोको पायलट और टेक्नीशियन ग्रुप डी का एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं रहा, बहुत ही पास आ गया। अब आप लोग कमर कस लीजिए, अपना प्रिपरेशन पीक पर रखिए, चाहे पास्ट में जो भी हुआ हो, आप लोग का एग्ज़ाम निकला हो या ना निकला हो, आप लोग कितना वेट किए हो कितना किए, ये सारा मैटर नहीं करता, आप लोग का मैटर ये करता कि अब क्या कर रहे हैं आप। अब जो आप लोग को करना है वो करना है, आप लोग को पीक का प्रिपरेशन करना है, बढ़िया प्रिपरेशन करना है, ताकि आप लोग जो है इस साल अपने जॉब के साथ ही अपना इस साल अगले साल आप लोग एंटर करें। सो आप लोग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, शेयर जितना हो सके उतना कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो उस पर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।